मैं पंडित नमन ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 13 साल के भीतर भीतर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी रचना सुना रहा हूं। न किसी के आगे झुकना है, न किसी को झुकाना है। हमारा अगला लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसा राष्ट्र जिसकी पॉलिसी हो नेशन इज फर्स्ट और कोई भी नेता ना हो भ्रष्ट। जहां लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते हो और मजबूरी में यदि कोई चोरी कर ले तो उसे भी गले लगाते हो। जहां साधु संत करते हो लोगों का मोटिवेशन, जहां होते हो नित नए इनोवेशन, जहां की इकोनॉमी हो दुनिया में नंबर वन और जहां बुलडोजरी कर दे आतंक का डेमोलिशन। न किसी के आगे झुकना है, न किसी को झुकाना है। हमारा अगला लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसा राष्ट्र जहां न कोई दलित हो, न कोई वंचित, न कोई दुखी हो, न कोई चिंतित। जहां अल्पसंख्यक हो सुरक्षित लेकिन बहुसंख्यक भी ना हो पीड़ित। सभी को मिले समानता का अधिकार और हर घर में हो भारत की जय जयकार। जहां वनवासियों का भी रखा जाए पूरा पूरा ध्यान और देश की सेना को मिले हर जगह सम्मान। न किसी के आगे झुकना है, न किसी को झुकाना है। हमारा अगला लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसा राष्ट्र जो चाइना की रगड़ दे नाक, ऐसा राष्ट्र जो चाइना की रगड़ दे नाक, पाकिस्तान को कर दे खाक। यदि कोई देश भारत को आंख दिखाए तो ऐसे फाड़ दे जैसे खीरे की दो फांक। ऐसा राष्ट्र जो चाइना की रगड़ दे नाक, पाकिस्तान को कर दे खाक। यदि कोई देश भारत को आंख दिखाए तो ऐसे फाड़ दे जैसे खीरे की दो फांक। जहां पति पत्नी में ना हुए तलाक, कोई भी नेता ना मारे संसद में जाके आंख। जहां की मुद्रा की हो पूरी दुनिया में साख और जहां के नेताओं की हो पूरी दुनिया में धाक। न किसी के आगे झुकना है, न किसी को झुकाना है। हमारा अगला लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। न किसी के आगे झुकना है, न किसी को झुकाना है। हमारा अगला लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है।